नमस्कार दोस्तों, एज ए ट्रेडर्स के और एक वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने लास्ट फ्राइडे को कैसे ट्रेड किया। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को निफ्टी और डाउन जोन्स ने कहां पे क्लोजिंग दिया। फ्रेंड्स, यहां पे आप चेक करोगे, डाउन जोन्स में मामूली 98 पॉइंट की गिरावट आई है और एस जी एस निफ्टी में 56 पॉइंट की गिरावट आई है। अभी हमें ये देखना है कि सोमवार को जब उसका फ्यूचर ओपन होगा तो वो ग्रीन में ओपन होता है या रेड में ओपन होता है, यानी कि प्लस में ओपन होता है या माइनस में ओपन होता है। वो जितने भी ओपन होता है उसके ऊपर हमारा मार्केट डिपेंड रहेगा कि ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा। इससे पहले हम ये देख लेते हैं लास्ट फ्राइडे को जो उसका क्लोजिंग हुआ है। वन डे के कैंडल में आप देख यहाँ पे चेक करोगे, कोई डोजी टाइप की एक कैंडल बनाई है फ्रेंड्स निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी के बारे में भी देख लेते हैं हम, कोई बैंक निफ्टी ने एक यहाँ पे एक कैंडल बनाई है, उसको हम डोजी बोलते हैं, लॉन्ग लेग डोजी। ओके, डोजी का मतलब ये होता है कि जिस तरफ वो ब्रेक करेगा उस तरफ वो बड़ी मूवमेंट दे सकता है। लेकिन आइए देखते हैं 15 मिनट की चार्ट में कि बैंक निफ्टी ने, मैंने जो लास्ट फ्राइडे को लेवल दिया था उसके हिसाब से क्या किया उसने। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप चेक करोगे, मैंने आपको बोला था क्लियर कट कि हमारा नो ट्रेडिंग जोन मैंने आपको ड्रॉ किया था, लेकिन उसका ओपनिंग ही हुआ है फ्रेंड्स 34676 पे उसका ओपनिंग हुआ है, यानी इस लेवल पे उसका ओपनिंग हुआ है। और मैंने अल्टीमेट आपको टारगेट दिया था, थर्ड टारगेट दिया था 34,396, यानी ये टारगेट हमारा एक अचीव हो गया फ्रेंड्स। और यहाँ पे आपको किसी को चांस नहीं मिला होगा ये दोनों टारगेट अचीव करने के लिए, क्योंकि वो गैप डाउन ओपन हुआ तो पहले से ही वो टारगेट अचीव हो गया था। तो आइए देखते हैं कि अब सोमवार को बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। तो इससे पहले हम एक काम करता हूँ, इसको मैं निकाल लेता हूँ नो ट्रेडिंग जोन को, और हम नो ट्रेडिंग जोन हम ड्रो करेंगे सोमवार के लिए। तो फ्रेंड्स, उसका क्लोजिंग हुआ है 34,591 पे उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा नो ट्रेडिंग जोन सोमवार के लिए। इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ मैं, ये वाला, यहाँ से 34,500। ओके फ्रेंड्स, सोमवार को अगर ये अपसाइड में 34,712 निकालेगा तो उसका पहला टारगेट आ सकता है अपसाइड के ऊपर 35,020, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 34,140। सोमवार के अपसाइड में दो ही टारगेट मैं देता हूँ आपको, जो मार्केट अभी पूरा पूरा नेगेटिव में ट्रेंड में चल रहा है, तो हो सकता है ये गैप फिल करके फिर से वो यहाँ से नीचे आने की पूरे पॉसिबिलिटी है। और अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है सोमवार को तो वहाँ पे हम 5 मिनट की कैंडल, एक कोई बेरिश कैंडल बनती है या शूटिंग स्टार कैंडल बनती है, तो उसी का हाई का हम स्टॉप लॉस लगा के हम गुड बाई कर सकते हैं, अगर यहाँ पे ओपन होता है तो, गैप अप ओपन होता है तो ज़्यादा। ओके, और डाउन के साइड में मैंने जैसे बोला आपको कि 34,500 है, अगर 84 से 90 ब्रेक करता है तो उसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 34,350, और दूसरा टारगेट आ सकता है उसका 34,350, और दूसरा टारगेट मैंने आपको दिया ये वाला 34,100, और तीसरा टारगेट मैं आपको दे सकता हूँ यहाँ पे 33,600 तो नहीं आएगा, 33,750। ये हो गया हमारा डाउन के साइड में टारगेट हमारा सोमवार के लिए इंट्राडे के लिए। ओके, आइए देखते हैं फ्रेंड्स अभी, लेकिन आप यहाँ पे फ्रेंड्स चेक करोगे कि लास्ट फ्राइडे को वो 34,700 से लेकर 34,340 के बीच में घूमता रहा पूरा दिन, उसने ये पूरी रेंज पकड़ के रखा है। अगर उस रेंज को ब्रेक करेगा उस टाइम में ज़्यादा मूवमेंट देने की पूरे पूरी शक्यता है आने वाले दिनों में, यानी सोमवार को। आइए देखते हैं निफ्टी में वन डे के कैंडल में क्या हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी में वन डे के कैंडल में देखोगे उसने भी एक डोजी कैंडल जैसा फॉर्मेट किया है, और मैंने जो आपको 15 मिनट की चार्ट में जो लेवल दिया था कि भाई 16,624 को निकालेगा तो उसका पहला था कि मैंने आपको दिया था 16,560, और दूसरा था कि मैंने आपको दिया था 16,480। लेकिन आप यहाँ पर चेक करोगे कि उसका ओपनिंग ही हुआ था, गैप डाउन ओपन हुआ था 16,440, तो हमारा मैंने जो टारगेट दिया था उसको उसने क्रॉस करके ओपनिंग दिया है गैप में, गैप डाउन में, तो हमें चांस नहीं मिला निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। आपने वहाँ से
थोड़ा ऊपर गया, बाद में यहाँ पे ये एक रेंज में ये भी फंसा रहा, जैसे बैंक निफ्टी फंसाया 16,340 से लेकर 16,480 यानी 140 पॉइंट के बीच में ये पूरा दिन घूमता रहा निफ्टी। तो आइए देखते हैं अब सोमवार को निफ्टी क्या कर सकती है। इसके लिए हम पहले काम करते हैं एक नो ट्रेडिंग जोन ड्रॉ करते हैं सोमवार के लिए। फ्रेंड्स हमें इसका क्लोजिंग हुआ है 16,411 पे, उसका क्लोजिंग हुआ है फ्रेंड्स ये हमारा हो गया नो ट्रेडिंग जोन। देखा जाए तो हम इसी का लो को लेना पड़ेगा 3,450। ओके ये हो गया हमारा निफ्टी का नो ट्रेडिंग जोन, यहाँ पे ओपन होता है तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। अगर अपसाइड में ये लेवल ब्रेक करता है 16,480 तो हम उसे ट्रेक कर सकते हैं, जिसका पहला टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स अपसाइड में 16,560। दूसरा टारगेट आ सकता है उसका ये जो गैप पड़ा है, इस गैप को फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है, जिसका टारगेट रहेगा 16,650। और अगर इसको भी क्लोज किया यानी इसको भी इसके ऊपर भी निकला तो तीसरा टारगेट आ सकता है फ्रेंड्स 16,700। इससे ऊपर मैं नहीं देख रहा हूँ सोमवार के लिए। अगर ज़्यादा गैप अप ओपन होता है मार्केट तो वहाँ पे हम एक नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करेंगे या फिर प्राइस एक्शन बनने का वेट करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रेड करेंगे। और अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तो हम उसी शूटिंग स्टार के कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम पुट बाई कर सकते हैं सोमवार को। और अगर डाउन की साइड में फ्रेंड्स 16,340 निकाला तो पहला टारगेट आएगा 16,270 और दूसरा टारगेट आएगा 16,150। और अगर फ्रेंड्स निफ्टी ने 16,150 के डाउन में क्लोज दिया तो ये बहुत ही नेगेटिव रहेगा मार्केट हमारा आने वाले दिनों के लिए। ओके फ्रेंड्स मैं ये वीडियो एजुकेशन प्रपोज से ही बनाता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मेरी एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसका नाम है SJTraders1, अगर आप चाहो तो उस चैनल में आप जुड़ सकते हो जिसमें मैं फ्री में आपको लेवल देता रहूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।